स्टार्ट करते हैं एट्थ क्लास ज्योग्राफी चैप्टर टू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट फोर। और इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड, दिस इज अ ब्यूटिफुल हैंड बैग। येस, इट इज मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। Do you see those basket, lamp, shades and chair? These are made of canes and bamboos. तो अब क्या हुआ, कुछ स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन में गए थे, किसके हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन पे, जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं या फिर जो चीज़ें थोड़ी सी अलग तरह से बनाई जाती हैं, इन द सेंस कि फैक्ट्रीज में बनने की जगह हाथ से बनती हैं। सो द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन, जो भी एग्जीबिशन में आर्टिकल्स थे वो कंट्री के अलग अलग पार्ट से कलेक्ट किए गए थे। मोना ने एक बैग उठाया और उसने उठा के बोला कि ये तो बहुत ही सुंदर बैग है। तो उसकी टीचर बोलती है कि हाँ, ये बैग जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प्स, शेड्स एंड चेयर्स, तुम वो जो बास्केट्स रखी हैं, लैम्प शेड्स रखे हैं, चेयर्स रखी हैं, क्या तुम उनको देख पा रहे हो? ये सारी की सारी केन्स एंड बैम्बू से बनी है, मतलब ट्रीज से बनी है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे क्या होता है, बैम्बू बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। जेसी वॉज एक्साइटेड टू अ सिल्क स्कार्फ। अब जेसी थी वो जो एक वहाँ पे सिल्क का स्कार्फ था वो देखने के लिए एक्साइटेड थी, तो वो बोलती है इस सुंदर से स्कार्फ को देखो। तो टीचर बताती है कि ये जो सिल्क है, ये सिल्क वॉर्म से लिया जाता है जो मलबेरी ट्रीज पे होते हैं और उनकी पत्तियों को खाते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। तो बच्चों को ये समझ में आ गया कि जो प्लांट्स हैं वो हमें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है, वहीं पे हो सकता है जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी कि हमारी ज़मीन, हमारा पानी और हमारी हवा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. Biosphere में क्या होता है, जो living beings होते हैं ना वो एक दूसरे पे interdependent होते हैं, मतलब एक दूसरे से related होते हैं, एक दूसरे पे dependent होते हैं and most importantly एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं survival के लिए। This life supporting system is known as the ecosystem। और इस system को हम लोग क्या बोलते हैं, ecosystem बोलते हैं। Vegetation and wildlife are valuable resources। अगर हम करें तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, मतलब कि पेड़ पत्ते, पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम वाइल्ड में देखते हैं, जितने भी शेर हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, ठीक है। प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। इसको अंडरलाइन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पेड़ हमें टिम्बर देते हैं। टिम्बर क्या होता है, जो हमारे घर में फर्नीचर होता है या फिर हम वुड की इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग तरह की वुड से बनी होती है, तो टिम्बर भी इज़ वन ऑफ द वुड विच वी यूज़। उसके बाद वो हमें एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, जो लोग फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं उनको शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन ये ट्रीज़ और फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सो essential for growing crops। हमने पढ़ा है इससे पहले के पार्ट में कि किस तरह से वेजिटेशन सॉइल को डिप्लीशन से प्लस इरोजन से बचाता है, ठीक है। क्रॉप्स ग्रो करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए सॉइल वगैरह चाहिए। शेल्टर बेल्ट की तरह बिहेव करते हैं, वो भी हमने पढ़ा था कि हवा ना आ पाए किसी एरिया में, जो एकदम से सॉइल इरोजन होता है उससे बचाता है। हमारे अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये पानी क्या करते हैं, सोख लेते हैं रूट्स के थ्रू, तो अंदर चला जाता है और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। हमें नट्स और फ्रूट्स और लेटेक्स, अलग अलग तरह की चीज़ें निकलती हैं, वो देते हैं। टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। जो भी पेपर है ये सब प्लांट से बनते हैं। देयर आर इननंबरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। मतलब कि प्लांट्स के इतने सारे यूजेज हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते और आप उसमें ऐड ही करते जाओगे। अब अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूँ, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और इनफैक्ट एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी आते हैं।
वो हमें मिल्क देती है, मीट, हाइट, जो अलग अलग तरह के आप लेदर वगैरह देखते हो, चीज़ें जो बनती हैं, प्लस सर्दियों में जो वुल के कपड़े पहनते हो, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। इंसेक्ट जैसे कि बीज, वो क्या करते हैं? हमें हनी देते हैं, मतलब शहद देते हैं, हमें पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं ना। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? जब प्लांट एक जगह पे, जैसे कोई इंसेक्ट या बी है, एक जगह बैठ के दूसरी जगह बैठता है, तो क्या करता है वो? पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है, जिस वजह से जो फ्लावर्स वगैरह की क्या कहते हैं संख्या होती है, लाइक प्लांट्स क्या होते हैं आगे और फलते फूलते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लस डिकम्पोजेस जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मर जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कौन ध्यान रखता है इन चीज़ों का कि वो डिकम्पोज हो जाए, नेचर से ख़त्म हो जाए, दोबारा यूज़ हो जाए? तो वो सब यही आपके एनिमल्स करते हैं, अलग अलग तरह के जो बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं और वो डिकम्पोजर्स की तरह मतलब बिहेव करती है। आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, वो मतलब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं मरने के बाद, तो क्या होगा? देर विल बी अ लॉट ऑफ वेस्ट और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। बट बिकॉज ऑफ दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड डिकम्पोजर्स जो बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये नेचर में मिल जाते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वल्चर जो होता है, यहाँ पे दिखा रखा है फोटो में, वो क्या करता है, डेड एनिमल्स पे फीड करता है, और ये एबिलिटी की वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन रहता है। तो ये वल्चर की एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो कोई भी एनिमल हो, चाहे बड़ा एनिमल हो चाहे छोटा एनिमल हो, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखने के लिए, हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। ये तो सोचना ही नहीं है कि एक आध अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, बिकॉज ये पूरा बैलेंस सिस्टम है, कोई एक भी अगर ख़त्म होता है तो पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। वल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलर शॉर्टली आफ्टर स्केवेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफिनैक, अ पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन एंड आईब्यूप्रोफिन। एक्चुअली इंडिया में जो वल्चर्स थे वो लोग, वो वल्चर्स किडनी फेलर की वजह से मर रहे थे, क्योंकि पता चला कि कुछ लाइफ स्टॉक्स जिनको, जो मुर्गी वगैरह या जो भी मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको पेन किलर वगैरह दिए जा रहे थे या फिर मेडिसिन दी जा रही थी, वो वल्चर्स को सूट नहीं कर रही थी। एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक यूज एंड बीड वल्चर्स इन कैप्टिविटी। वल्चर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी और अब ये थोड़ा बोला गया है कि लाइफ स्टॉक वगैरह पे ड्रग्स, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज जब वल्चर्स उन पर फीड करते हैं तो वो क्या होता है, वो उनका नंबर काउंट कम हो रहा है बिकॉज दे आर डाइंग। और दूसरी चीज़, कोशिश करनी है कि वल्चर्स को कैप्टिविटी में, एक होता है कि नेचुरल तरीके से वो ग्रो करें, एक होता है कि हम उनको करवाएं, तो कैप्टिविटी में हम उनको ब्रीड करवाएं, ठीक है, मेटिंग करवाएं। नाउ लेट्स कम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कहीं पे भी जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, लाइक जो भी तरह का प्लांट है या जो भी क्या कहते हैं ट्रीज़ हैं, वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं कि ग्रो होंगे? एक तो होता है टेम्परेचर और एक होता है मॉइस्चर। जितना टेम्परेचर सूटेबल रहेगा, बहुत ठंडे में ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत गर्मी में टेम्परेचर मतलब ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है, तो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, मॉइस्चर रहता है और टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं राजस्थान जैसा बट थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे इजीली प्लांट्स ग्रो करते हैं। नाउ द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। हम इनको पढ़ेंगे। ये क्या है, कुछ मेजर टाइप के ग्रासलैंड्स हैं, सॉरी मेजर वेजिटेशंस हैं, फॉरेस्ट जो बहुत घने होते हैं, टुंड्रा जो बहुत क्या कहते हैं ठंडे होते हैं, ग्रासलैंड जहाँ घास होती हैं बड़ी बड़ी बट नो ट्रीज आर फाउंड काफ़ी दूर के डिस्टेंस तक। नाउ इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज रह जाते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई। जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं,
मतलब उन एरियाज़ में फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। ऑब्वियसली बात है, जब पानी मिलना बंद हो जाएगा, जब पानी कम मिलेगा तो दूसरा चीज़ क्या होगी, मॉइस्चर कम होगा तो डेंसिटी, जितने घने जंगल हैं वो आपको कम दिखने लगेंगे। इसलिए ज़्यादा बारिश वाली जगह में आपको घने जंगल दिखते हैं और जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर आपको घने जंगल नहीं दिखते। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। एक और चीज़ है, इसको भी पढ़ लेते हैं, यानी कि थोड़े छोटे ट्रीज और ग्रास कहाँ पे ग्रो करती हैं, ऐसे एरियाज में जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है, मतलब ठीक ठीक रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, ठीक है, तो वो ग्रासलैंड जैसे एरिया बन जाते हैं। ठीक है, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो जहाँ पे बिल्कुल कम बारिश होती है, दिखने को भी नहीं मिलती बारिश, तो वहाँ पे हम उनको श्रब्स बोलते हैं, स्क्रब्स बोलते हैं। ठीक है, वहाँ ज़्यादा बड़े पेड़ तो होते नहीं, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे से प्लांट्स मतलब होती है ना, थोड़ी सी सूखी सूखी सी घास, काइंड ऑफ कैक्टस जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे पौधे वहाँ पे उगते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स की काफ़ी डीप रूट्स होती हैं। इसको अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पे प्लांट्स की डीप बहुत गहरी रूट्स होती हैं, मैं इन सारे चीज़ों को समझाऊंगी ऐसा क्यों है। डीप रूट्स इसलिए होती हैं ताकि थोड़ा सा भी पानी अगर गिरेगा वहाँ पे, बारिश हुई तो फटाफट से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, बहुत ही आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरा, लीव्स वहाँ पे थॉर्नी होती है एंड वैक्सी सरफेस होती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर लीव्स बहुत बड़ी हों, फैली हुई हों, तो ट्रांसपिरेशन होता है, दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ। बट अगर लीव्स वहाँ पे थॉर्नी है, कांटे जैसी हैं, तो क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो इजीली लॉस्ट नहीं होगा एंड वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा। वैक्सी सरफेस का भी यही फंक्शन है कि मॉइस्चर लॉस ना हो। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। टुंड्रा वेजिटेशन में क्या देखने को मिलता है, ठंडा एरिया होता है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइकेंस जो होते हैं, ठीक है, ये एक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाए, अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और मॉसेस, बेसिक ट्रीज़ वगैरह हैं, बहुत अच्छे ट्रीज़ तो यहाँ ठंडे एरियाज़ में भी नहीं उग सकते। तो हर जगह पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, मॉइस्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का वेजिटेशन होता है। ये नहीं है कि वहाँ पे अगर ठंडा बहुत है तो बिल्कुल वेजिटेशन ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो वहाँ पे रहने पे अडेप्टेड है वैसे ट्रीज़ उगते हैं। Now, today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. वो कह रहा है कि पहले जितने लोग होते थे अब उससे 2-3 गुना ज़्यादा लोग हैं, मतलब अब एक्चुअली ये है कि पहले कम लोग थे, अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। इतने लोगों को खिलाना, उनके लिए जगह ढूंढना, उनकी जो चीज़ें उनको चाहिए वो ज़रूरतों को पूरा करना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड प्रॉपर फॉरेस्ट, और वो क्लियर करे जा रहे हैं ताकि खाना, क्रॉप्स ग्रो कर सके। ठीक है, जो जिससे हमें, जैसे गेहूं, चावल, इस तरह की क्रॉप्स उगाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। अब हो क्या रहा है इसके चक्कर में, सारी कंट्रीज में ये जो एरिया फॉरेस्ट में ढका हुआ था एक टाइम पे, अब वो बिल्कुल क्लियर करके वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाई जा रही हैं, एनिमल्स को चराया जा रहा है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाएं। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ जो भी हम आज बोलते हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है, फॉरेस्ट से। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। ये फंक्शन है कि प्लांट क्या करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। अगर क्लाइमेट में चेंज आता है प्लस ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। दोबारा से देखो, क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से और लोगों के दखल देने की वजह से। अब लोग कैसे दखल दे रहे हैं, पेड़ों को काट के, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, पोल्यूशन फैला के, उससे क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये भी समझाती हूँ, कई ऐसी स्पीसीज हैं जो क्या हो चुकी हैं, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब अब अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया और प्लस वो उनको खतरा है। एंडेंजर्ड मतलब वही कि अगर कुछ टाइम और ध्यान नहीं दिया तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, एक भी उस स्पीसीज का इंडिविजुअल नहीं बचेगा।
उसके बाद आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, चाहे कुछ भी चीज़ें बनाई जा रही हों, चाहे घर, फैक्ट्री, कुछ भी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड। ये क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्सटेंशन रिसोर्सेज का बढ़ रहा है? अगर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, डिफॉरेस्टेशन ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना हो, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है रिसोर्सेज की। बट पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इन चीज़ों, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसकी वजह से जो एक्सटेंशन है रिसोर्सेज का वो बढ़ रहा है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। ये भी पढ़ लेते हैं। एक टर्म यूज़ हुआ है पोचिंग, जब जानवरों को अपने लालच के लिए छुपके या किसी तरह से मारा जाता है और उनकी कोई चीज़, यूज़फुल चीज़ें निकाली जाती हैं, उसको पोचिंग बोलते हैं। एनिमल को पोच किया जाता है किसके लिए? इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, उनकी स्किन के लिए जो उनके ऊपर की है, उनके नेल्स, टीथ, हॉर्न। जैसे कि वन हॉर्न राइनो है, उसका हॉर्न बहुत महंगा होता है, तो उसको छुपके से लोग जाते हैं और उसका वो पूरा का पूरा एरिया काट लेते हैं, तो इसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से एनिमल की पॉपुलेशन या स्पीसीज पर्टिकुलरली ख़त्म हो रही हैं। पहले बहुत चीज़ें होती थी कि एनिमल की स्किन जो होती थी उसको ट्रेड किया जाता है, अभी भी होता है इलीगल ट्रेड, ऐसा नहीं है कि वो वैलिड है, वो आप कर सकते हो, बट इलीगली सारे काम हो रहे हैं। सम ऑफ दीज एनिमल जो जिनके साथ ही किया जाता है वो है टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, एलिफेंट के टीथ वगैरह निकाले जाते हैं, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल की भी स्किन यूज़ होती है बैग्स वगैरह बनाने में, राइनोसोरस, स्नो लेपॉर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। दीज आर द एनिमल जिनकी पोचिंग होती है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अगर हम अवेयरनेस फैलाएं, सबको पता हो कि ऐसा हो सकता है, ये चीज़ गलत है, तो क्या होगा, इनको थोड़ा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर बोली, ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये हमारी जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। अगर आप एनिमल्स को बस ऐसे ही छोड़ दो किसी भी प्रोटेक्शन दिए बिना, तो भाई 2 महीने में सारे एनिमल्स को ह्यूमन ख़त्म कर देंगे, इतना लालच है। तो इसीलिए ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व्स वगैरह बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे घुस के कोई भी किसी भी एनिमल को मार सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका, उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट मतलब एक्शन लिया जा सकता है। तो इस डर से, प्लस वहाँ पे सेफ्टी इतनी है, हर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एनिमल्स सेफ हैं उस एनवायरमेंट में। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, जो पानी के रिसोर्सेज हैं, लेक्स, वेटलैंड। वेटलैंड वो एरिया होता है जहाँ पे ज़मीन पे पानी थोड़ा भर जाता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली लेक और पॉन्ड और नॉट एग्जैक्टली लैंड, बट हमेशा सीजनल मतलब पानी भरता रहता है वहाँ पे। वो ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं ना, इनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। अगर हम कुछ स्पीसीज को डिस्टर्ब ना करें तो एक बैलेंस है विच वी नीड टू मेंटेन। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इसने क्या किया है, इसने जो एनिमल्स हैं इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है जहाँ वो रहते हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि एनिमल्स को मारा जा रहा है बिना लालच के सोच के, किसी तरह से उनको किल किया जा रहा है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि कुछ एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, या फिर वो ख़त्म होने वाले हैं। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव। ऐसे प्रोग्राम्स को एनकरेज किया जाना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। किस लेवल पे? रीजनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है। स्कूल के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि बर्ड वॉचिंग पे जाएं, जहाँ पे बर्ड्स देखने को मिले उन्हें। नेचर कैंप्स के लिए उनको, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो स्पीसीज और जो भी नेचर है उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें। कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लॉ पास किए हैं अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड एंड एनिमल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर किसी ने भी किसी भी एनिमल को मारा तो वो इलीगल है। इंडिया के अंदर किलिंग लॉयन, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक, इन सबको मारना बिल्कुल इलीगल है इंडिया में। अगर आपने किया तो जेल हो सकती है या बहुत सारे एक्शंस हैं जो लिए जा सकते हैं। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दैट इज साइट, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये एस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि जिनके
कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनके ऊपर व्यापार हो रहा था, जिनकी चीज़ों पे, तो ये इसलिए कराया गया था ताकि इंटर कंट्री या आपस में कोई भी ऐसा व्यापार ना हो पाए एनिमल्स को लेके। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, जस्ट नॉट कि आपके ऊपर कोई कोई केस कर देगा या कुछ गलत हो जाएगा इसलिए आपको नहीं मारना चाहिए, बट हर एक इंडिविजुअल की, हर एक सिटीजन की ये एक एथिकल ड्यूटी है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए प्लांट और एनिमल को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं अगर अपने एंगल से बोलूँ, वी आर द ब्लेस्ड ह्यूमन बींग्स कि हम बोल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी शुड प्रोटेक्ट ऑल दोज एनिमल्स जिनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, अब इसको एक बार साइट्स और पढ़ लेते हैं। साइट्स इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फौना एंड फ्लोरा यू ऑल नो, ठीक है, फ्लोरा इज प्लांट्स, फौना इज एनिमल। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। इसका एम क्या है, क्या इसका मकसद है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है स्पीसीज के बीच में, किसी भी स्पेसिमेन पे या वाइल्ड एनिमल का जो आपस में लेन देन होता है उससे उनके सर्वाइवल पे खतरा नहीं आना चाहिए। रफली 5,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 28,000 ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। इतने प्लांट मतलब प्रोटेक्ट किए गए हैं, और बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टी, कॉरल्स, ऑर्किड्स एंड एलो, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कुछ दो चीज़ें और हैं पढ़ लेते हैं। नेचुरल पार्क, अ नेचुरल एरिया डिजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। बेसिकली क्या है कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करना, उसके फ्लोरा फोना को प्रोटेक्ट करना और उसके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, किसके लिए, आज की जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। सेम वे में नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एक सेम वही चीज़ है, कंजर्वेशन करना और डेवलपमेंट करना। अगर आपको डिटेल में देखना है कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो मेरी इकोलॉजी सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर। उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। 8th क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए मेरे होम पेज या फिर प्लेलिस्ट पे जाइए। 8th क्लास के नीचे आपको हिस्ट्री और बाकी ये ज्योग्राफी और साइंस जैसी प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।